हेलो वेलकम सत्या जतेंद्र इट्स म्यूजियम योर वेलकम टू मेरा नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फोटोशॉप अबाउट कलर ग्रेडिंग एंड हाउ टू रिमूव द स्टार्स एंड मार्क्स विद द लेस परसेंटेज, मतलब थोड़े से विजिबल और थोड़े से किसी गायब हो, जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था जो हम नहीं दिखा पाए थे वो भी हम दिखाएंगे। और इस वीडियो में मेनली हम कलर ग्रेड करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और आपको देखना है कि फोटो को अच्छे से कलर ग्रेड कैसे करें फोटोशॉप में। तो चलिए बिना किसी वक्त ज़ाया करें शुरू करते हैं। बट हम आज का वीडियो चश्मा पहन के बनाएंगे, मतलब कैरे मेनाडी भैया ट्रिब्यूट देना पड़ता है यार, सपोर्ट टू कैरे भैया। उनकी नई वीडियो को लाइक कर दो अगर आपने लाइक नहीं किया तो। वेलकम टू अमेजिंग मॉडल फोटोशॉप, मैं फोटोशॉप पहुंच गया और आज के हमारी फोटो जिसको एडिट करना है। तो मैंने पहले आपको जो बोला था कि मार्क्स रिमूव करूंगा स्कार्स फाइन लाइंस, तो वो कैसे रिमूव करते हैं विद नॉट लीविंग होल डिटेल्स, थोड़ा 50% फेड करके, तो वो दिखा दो। आप भी देखिए, आप ये जो है फाइन लाइंस इसको यहां पे क्लिक करें, एक सैंपल ले लें, हमारा सेम पिंगिंग ब्रश टूल्स है उसको इतना इरेज करें, अभी पूरा गायब हो गया। तो यहाँ पर एडिट टैब में जाएं, फेड हीलिंग ब्रश, तो इसका ओपेसिटी आप आपके हिसाब से सेट करें। योर 35% इज वर्किंग फॉर मी, अभी नेक्स्ट वाला रिमूव करेंगे हम, यहाँ पे सेलेक्ट कर ले उसको, रिमूव कर दे पूरा, और अभी इसका फेड हीलिंग ब्रश ले और कम कर। एक्चुअली फेड हीलिंग ब्रश आपके सिर्फ प्रीवियस स्ट्रोक की ओपेसिटी को डिफर करता है, मतलब ये उसके पहले जो करेंगे उस पर नहीं, उसके बाद में जो करेंगे उस पर नहीं, किसी पे चेंजेस नहीं, आपके जस्ट प्रीवियस स्ट्रोक को अफेक्ट करता है। तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ फेड हीलिंग ब्रश का ओपेसिटी ही सेट करने का टूल हमारा। इसको आप शिफ्ट कंट्रोल एफ से भी एक्टिवेट कर सकते हो, शॉर्टकट की है। तो जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में अबाउट रिमूविंग मार्क्स, तो थोड़ा सा वो किया, आउटर रिमूव, इट्स फाइन, सब ठीक है। चलिए ये हो गया छोटा सा, अभी हम मेन चीज़ की ओर बढ़ते हैं, कलर ग्रेडिंग ऑफ फोटो। तभी हम कलर ग्रेड कैसे करेंगे, जस्ट स्टार्ट। पहला आपका लेयर आपको डालना है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट आर, ब्राइटनेस इज एज सिमिलर एज टू एक्सपोजर, बट ब्राइटनेस पूरी फोटो को ब्राइट करता है, एक्सपोजर जहाँ पे लाइट गिरती है उस पार्ट को एक्सपोज करता है। तो दोनों में आप डिफर समझे, दोनों ऑलमोस्ट आसपास है बट तो भी डिफर है दोनों में। तो हम ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ाएंगे, 23 इज गोइंग गुड फॉर मी, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट की फोटो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, जो कॉन्ट्रास्ट है, आई ऑलवेज लव कॉन्ट्रास्ट इन फोटो। तो ये हमारी फोटो को हमने अच्छा खासा 84% कॉन्ट्रास्ट, 13% ब्राइटनेस दे दिया है प्लस में। अभी हम हमारा नेक्स्ट लेयर ऐड करेंगे लेवल्स। लेवल्स खुद में ये कितना बड़ा टॉपिक है जिस पर मैं पूरा एक वीडियो बना सकता हूँ, और लेवल्स आप बिगिनर हो तो ना भी समझो तो कोई इशू नहीं है, इट्स नॉट सो नेसेसरी फॉर यू अगर आप अभी अभी फोटोशॉप स्टार्ट कर रहे हो। तो लेवल्स को इग्नोर करें, अगर आपको सीखना है तो मैं अच्छे लेक्चर नीचे एक लिंक डाउन कर दूंगा हमारे उमेश भैया का, बट बाकी लेवल्स आप इग्नोर भी कर तो चलेंगे। अभी मैं आपको कर्व्स क्या होते हैं वो दिखाता हूँ, कर्व्स भी बहुत हार्ड टॉपिक है बट इट्स नेसेसरी। ये आपका हाईलाइट पार्ट होता है, ये आपका शैडो पॉइंट होता है, तो ये देखिए आपको दिखाता हूं, ये शैडो डार्क करी, ये शैडो लाइट करी, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा शैडो क्रंच करेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट को पुश करेंगे हम, हाँ वही सा, देखिए ये हाईलाइट्स कम, ये हाईलाइट्स पुश, थोड़ी सी हाईलाइट पुश करेंगे। यहाँ पे मिड टोन्स होता है आपका, ये हम थोड़ा सा मिड टोन्स थोड़ा सा ब्राइट करेंगे एकदम आमूल ज़्यादा नहीं। हम देखिए ये स्किन टोन, अपर मिड टोन, मिड टोन हाईलाइट का जो मिक्सचर आता है वो एरिया, या पूरे आरबीजी कर्व के साथ में खेल रहे हो, अगर आपको स्पेसिफिक स्पेसिफिक कलर का भी शैडो मिड टोन हाईलाइट चेंज करना तो आप कर सकते हो, इट्स मोर ओवर टू यू कि आपको क्या चेंज करना है, कैसे चेंज करना है, क्या लुक लानी है। इट्स लुकिंग गुड फॉर मी, ये देखो आप यहाँ से रेड ग्रीन ब्लू आप स्पेसिफिक कलर का भी चूज कर सकते हो, दिस इज कर्व लेयर फॉर यू। हमारी नेक्स्ट लेवल आती है एक्सपोजर। अब मैंने आपको जैसे बोला था एक्सपोजर ब्राइटनेस सेम है, तो ब्राइटनेस में पूरी इमेज ब्राइट होती है, यहाँ पे जहाँ पे लाइट गिर रहा है उतना ही पार्ट ब्राइट डार्क पूरा होता है, डार्क तो कि जो डार्क है उधर से तो लाइट है ही नहीं, और जिधर लाइट है उधर से लाइट निकालते तो पूरी फोटो ब्लैक हो जाएगी, सिंपल ब्रो। और यहाँ पे जहाँ पे लाइट है उतनी पार्ट एक्स्ट्रा लाइट हो रही है, तो हम एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, उल्टा थोड़ा सा कम करेंगे, प्लस 1.5 इज गुड फॉर मी, प्लस 1.5 नहीं, 0.05 इज गुड फॉर मी। ऑफसेट क्या होता है कि जहाँ पे आपका डार्कर पार्ट है वो एक तो आप डार्क करें या उसके कॉन्ट्रास्ट में आप लाइटर पार्ट को लाइट करें, एंड सेम वाइस वर्सा गामा का होता है कि आप ब्राइट करें या आप डार्क करें, तो गामा से हम थोड़ा सा इमेज का डार्कर पार्ट ब्राइट करेंगे कि हम जितनी शेडोज क्रंच करते हैं उतनी हमारी शेडो दिखनी भी तो चाहिए भाई लो। Perfect, looking good for me.
बेहतरीन दिख रहा है, मतलब थोड़ा सा वो फेडी लुक मेरे को पसंद आता है। दिस इज माय टेस्ट, आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कौन से टॉगल बटन से क्या चेंज होता है, किससे क्या होता है। अभी वाइब्रेंस और सेचुरेशन में डिफरेंस क्या है? वाइब्रेंस इज अबाउट द अमाउंट ऑफ कलर ब्राइटनेस, मतलब येल्लो कितना येल्लो और कितना लाइट येल्लो है, तो ये वाइब्रेंस पे डिपेंड करता है। और येल्लो में कितने अमाउंट का येल्लो और कितना कम येल्लो ही सेचुरेशन पे डिपेंड करता है। इससे आप ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम की जगह से तो कि कलर शेड लाइट या डार्क कर सकते हो, बट दोनों का बहुत डिफरेंट असर है। मैं आपको पूरा टॉगल बटन मूव करते होता था, ये देखिए हमने वाइब्रेंस बढ़ाई तो कलर में एक डार्कनेस एक लुक बढ़ गया और एक कम करी। तो देखो आपको कलर दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है, रेड दिख रहा है स्क्रीन में, सोफे में, फिर पैंट में ब्लू दिख रहा है, बट कलर बहुत कम हो गए, ये पूरा माइनस वाइब्रेंस। और ये हम वाइब्रेंस प्लस 13 करेंगे। और सैचुरेशन में क्या होता है कि आप देखो अभी आपको कलर में बिल्कुल भी कलर नहीं दिखा, मतलब ब्लैक में से ब्लैक पूरा निकल गया है, व्हाइट में से व्हाइट निकल गया है, ब्लू में से ब्लू निकल गया, रेड में से रेड निकल गया है, और ये हमने बहुत सारा कलर डाल दिया। तो ये दोनों में डिफरेंस है ये सैचुरेशन और वाइब्रेशन वाइब्रेंस में। हम इसका सैचुरेशन 7+ करेंगे, अब मेरे लिए अच्छा जा रहा है फोटो में। ये हर फोटो के साथ चेंज होता है, आप यहाँ से नंबर नोट डाउन करके आपकी फोटो भी एडिट कर सकते हो, बिकॉज आपके लाइटिंग कंडीशन, फोटो कलर, प्लेस, सिनेरियो सब अलग होते हैं। तो उसके हिसाब से आपको एक्सपेरिमेंट करके एडिट करना पड़ेगा। आप जब स्टार्ट करो तो जस्ट उठाइए, ड्रैग करने का ट्राई कीजिए, जहाँ पे अच्छा लगे स्वीट पॉइंट वहाँ पे छोड़ दीजिए। बट जब स्टार्ट करो तो एक चीज ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि भाई पूरा खींच दे, मजे आने चाहिए, मजे नहीं फोटो में, थोड़ा सा कंट्रोल में करें, क्योंकि जब आप एंड में फोटो देखोगे तो फोटो अच्छी नहीं लगती। अभी हम रेड्स में जाएंगे, थोड़ा सा रेड का हम टोन कम की तरफ करेंगे, थोड़ी सी सैचुरेशन गिराएंगे और थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाएंगे। सेम विथ येलो, रेड एंड येलोज आर इन योर स्किन, तो अगर आपको स्किन टोन के साथ में कुछ करना है तो ये देखो, तो रेड एंड येलोज आर इन योर स्किन, आप उसके साथ में चाहे वो कर सकते हैं। ये टॉगल बटन से आपकी स्किन में अच्छा सा चेंज आता है। अरे यार हमने क्यों बंद कर दिया इसको, थोड़ा नेक्स्ट कलर हम काम करना है। अभी आपने उस फोटो में अगर इंस्टाग्राम पे ये वाली फोटो देखी होगी तो आपने देखा होगा पैंट कलर कैन था, यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, तो अभी मैं इसको ब्लू से भी कैन कर सकता हूँ। बट आपको एक चीज दिखाता हूँ, जब भी आप फोटो में अगर ब्लू कलर को छेड़ते हो और आपके बहुत सारा ब्लैक कलर है तो ब्लैक कलर चेंज होगा, जिस लाइक ये देखो आपका शर्ट पर हो रहा है। क्यों? तो बिकॉज कि आपका फोटो में ब्लैक कलर पूरा ब्लैक होता नहीं है, देर इज नथिंग सच लाइक अ ब्लैक, इट्स मोर ओवर ऑन द ब्लू साइड। आप ब्लू को टॉगल कीजिए आपको ब्लैक में चेंजेस देखने मिल जाएंगे। तो इसके लिए हम ब्लू के साथ मोस्टली एक्सपेरिमेंट कम ही करते हैं। फिर हम कैन में जाएंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा ब्लू की तरफ फ्लिप करेंगे और जाएंगे तो ग्रीन हो जाएगा, थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ेंगे, थोड़ा सा लाइटनेस बढ़ा देंगे हम। अभी हम ब्लू में जाएंगे तो हमें कम काम करना पड़ेगा, तो वी कैन प्रिजर्व द डिटेल्स। तो फिर ब्लैक एरिया में देख सकते हो कलर चेंज। ये हो गया हमारा न्यू सैचुरेशन लेयर। अभी मुझे थोड़ा सा कंट्रास्ट को वर्क करना है, फोटो की कंट्रास्ट बढ़ानी है, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करेंगे हम। ये चीज़ें ना आपको बाद में थोड़ी सी एडिट करनी पड़ती, तो स्टार्टिंग में यू डोंट गेट इट कि क्या करना सही होगा, बट जिससे से आप आगे बढ़ोगे तो आपको लगेगा कि नहीं इनको चेंज करना है ज़रूरत। परफेक्ट स्किन टोन, परफेक्ट ब्राइटनेस इन फोटो, थोड़ा सा एक्सपोजर अंकल के पास जाएंगे हम, थोड़ी सी एक्सपोजर कम करेंगे, थोड़ी सी ऑफसेट कम, थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ने के साथ खेली है, थोड़ा सा गैमा करेक्शन। गैमा करेक्शन इज मोर अबाउट ब्लैक्स इन द फोटोज, वाइब्रेंट अंकल थोड़ी सी फोटो वाइब्रेंट कर दो हमारी। अच्छा लग रहा है फोटो यार, 25 के साथ छोटी वेरी वेल। ये हमने हमारे वाइब्रेंस सेट कर ली। अभी कलर बैलेंस, कलर बैलेंस अबाउट हाउ मच अमाउंट ऑफ कलर प्रेजेंट इन फोटो, मतलब रेड वर्सेस कैन कौन सा ज्यादा है। तो फिर मेरे लिए -9 कैन वर्क करेगा, थोड़ा सा मैजेंटा पुश करूंगा मैं फोटो में, -6 जितना एंड +12 नहीं थोड़ा सा +7 ब्लू, दिस लुकिंग ऑसम। मतलब ये बहुत छोटे छोटे चेंजेस है, आपको स्टार्टिंग में तो फील भी नहीं हो गया, बट ये देखो दिख रहा है जो सोफे के ऊपर जो येलो नेस था वो थोड़ा ब्लू में कन्वर्ट हुआ, देख डिफरेंस इन फोटो। अब फोटो फिल्टर क्या होता है? फोटो फिल्टर जस्ट लाइक इंस्टाग्राम फिल्टर, बट यहाँ पे कोई फैंसी एनिमेशन या फैंसी ओवरवेलमिंग एडिटिंग, बूस्टिंग सैचुरेशन, ड्रॉपिंग आउट, कंट्रास्ट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके अंदर आपको जस्ट एक कलर का पतला सा क्लीन शीट मिलता है जो आपकी फोटो पर अप्लाई हो जाता है। तो वो कैसे वर्क करता है मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर ये आपकी फोटो है तो देखो वॉर्म फिल्टर 1, वॉर्म फिल्टर 2, जस्ट देख रहे हो आप चेंजिंग फोटो, देखो एक कलर का लेयर लग रहा है आपकी फोटो, तो बस एक कलर का एक कम ओपेसिटी के साथ में लेयर लग जाता है। ये देखो ये फुल डेंसिटी के साथ, ये एकदम वेरी लेस डेंसिटी के साथ कैन मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको 7% डेंसिटी के साथ फोटो रखूंगा, लुकिंग ब्यूटीफुल। अभी मेन थिंग कि अगर आपको अच्छी कलर रीडिंग सीखनी है तो ये आपको फोटोशॉप होना जरूरी है, फोटोशॉप के हर टूल मालूम होना जरूरी है और कैसे एडिट करते हैं वो भी मालूम होना जरूरी है। बट मेन थिंग इज आपको पता चाहिए कि आपको कैसे टेस्ट का फोटो चाहिए, फोटो में क्या कलर आपको एंड में देखना है, तो उस तरह से आप एडिटिंग करेंगे। अगर आपको ये पता ही नहीं है तो आप क्यों एडिटिंग करेंगे, किस लिए एडिट करेंगे और कैसे एडिटिंग करेंगे, सवाल आता है मेरे भाई।
इसके लिए अगर वो आपको टेस्ट डेवलप करना है कि हाउ टू एडिट अ गुड फोटो और कैसे बेहतरीन फोटो एडिट करना सीखा है, तो उसके लिए जाइए इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स को फॉलो कीजिए, जैसे पीटर मैकन, अंगद कहां से, मिहिर जैन, हम यहां पे अच्छे अच्छे फोटो डालते हैं, अभी तो डाल ही रहा हूं यार, कर लो इंस्टाग्राम, मेरे को भी इन्फ्लुएंसर बना दो, अभी ये टिकटॉकर लोग बड़े ताना मारते हैं, हमें तो हमारे पास एंगेजमेंट ज्यादा है तो और अच्छे अच्छे फोटोग्राफर से बहुत सारे, अगर आपको ढूंढने फोटोग्राफर्स तो आप जाके मेरे प्रोफाइल में फॉलोइंग चेक कर सकते हो, मैं बहुत बेहतरीन फोटोग्राफर्स एंड वीडियोग्राफर्स को फॉलो करता हूँ। यू कैन ऑल्सो गेट अ गुड इंस्टा फोटो पोस्ट करने वाले लोगों की लिस्ट, तो आपको उनको देख के पता चल जाएगा कि हाउ टू कलर ग्रेड गुड, बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप कर सकते हो, और उसके से आप फोटो एडिट नहीं, जैसे अभी मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन है ब्लैक विथ केन ब्लू पैंट्स, लुकिंग ऑसम बहुत, यहाँ पर रेड रहता था तो भी बेहतरीन लगता था, मैं मोस्टली ये टेस्ट प्रेफर करता हूँ फोटो एडिट करने के लिए। आप आपका टेस्ट बना सकते हो बेहतरीन, फोटो कलर ग्रेड कर सकते हो और पोस्ट कर सकते हो। और एक कंपटीशन आ रहा है आप लोगों के लिए, तो ऐसे कमाना है लॉकडाउन में, तो उसके लिए कंपटीशन आ रहा है आप फोटोग्राफी फोटो पोस्ट करने का, जिसमें आपको मजा आता है, उसके पैसे मिले तो कितना बढ़िया लगेगा, तो वो जानने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें बताऊंगा। तो अलविदा, टेक केयर, ध्यान रखें, फोटो एडिट करते रहे, पोस्ट करते रहे, टैग करते रहे, क्या पता आप भी इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, अच्छे फोटो डालेंगे। चलिए, ये था हमारा आज का लेसन, अब मैं आपको नेक्स्ट लेसन बताऊंगा हाउ टू डॉज एंड बर्न अ स्क्रीन, मतलब ये फोटो कंप्लीट एडिट नहीं हुआ है अभी तक, इसके थोड़ा डॉजिंग बर्निंग बाकी है, तो वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेसन के लिए, तो नेक्स्ट लेसन के लिए, तो अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें, घर में सुरक्षित रहे, फैमिली को सेफ रखें और इंडिया को सपोर्ट करें।